हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली लीगल न्यूज। तो गाइस, बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आज की क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो गाइस, जो पहली न्यूज है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को लताड़ दिया है, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया और कहा है कि अगली बार से आप ये फ्रिवलस पिटीशंस लेके सुप्रीम कोर्ट में मत आइएगा, ये फर्जी काम सुप्रीम कोर्ट में मत करिएगा। अब देखिए, मैटर कुल मिला के ये है कि मेघालय हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिससे यूनियन गवर्नमेंट ना खुश था, तो उसने क्या किया, स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जिस पॉइंट को यूनियन गवर्नमेंट ने रेज किया है वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, और जो चीज आप ऑलरेडी डिसाइडेड हो फिर आप जबरदस्ती उस पॉइंट को फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाके रेज कर रहे हो, तब ये तो गलत है, ये तो फ्रिवलस सी चीज हो गई। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप ये जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका आप शीयर अब्यूज कर रहे हो। और गाइस, इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का फाइन लगा दिया यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर और कहा है कि ये जो 5 लाख रुपए है ये आप 8 वीक्स में, मतलब अराउंड 2.5 महीने में आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड में जाके आप जमा कर दीजिएगा। और बिल्कुल सही चीज भी है गाइस, आप ऑलरेडी जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट में, मतलब अब हमारे कोर्ट्स में देखोगे तो बहुत ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ गई है, अराउंड 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के अराउंड हो गई है पेंडेंसी। और इसके चलते अगर ऐसी फ्रिवलस पिटीशंस आती रहेंगी तब और भी ज्यादा डिले होने वाला है कोर्ट का, फर्जी चीजों में ज्यादा टाइम खर्च होगा। और सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, इसके अलावा काफी सारी जुडिशियल वैकेंसीज भी खाली है जिसको सरकार नहीं भरी हुई है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है इसको बड़ा बना रहे हैं। अब गाइज, अगर सिस्टम ऐसे चलता रहा तो पता नहीं, भगवान जाने ये पेंडेंसी ऑफ केसेस कब खत्म हो पाएगा। तो गाइज, ये पहला अपडेट था। अब चलिए दूसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा अपडेट भी सुप्रीम कोर्ट से ही है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप ले लिया है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आईटी सर्विसेज को व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट कर दिया है ताकि ये जो जस्टिस है ये और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाए और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी पार्टी जो बहुत ज्यादा गरीब है उसको कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी अपने फोन पे व्हाट्सएप पे अगर उसके केस में कोई ऑर्डर निकला है, कोई जजमेंट निकला है, ताकि तो वो भी वहां पे उसको एक्सेस कर पाएगा। तो गाइस, ये जो मैसेजेस होने वाले वो व्हाट्सएप के ऑटोमेटेड नोटिफिकेशंस होने वाले जो कि दिए जाएंगे पार्टीज को। इसके अलावा जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं उनको भेजे जाएंगे। क्या क्या भेजा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के बारे में नोटिफिकेशन जाएगा, कॉज लिस्ट के बारे में नोटिफिकेशन जाएगा, और तीसरा अगर कोई कोर्ट का जजमेंट आया है या फिर कोई ऑर्डर आया है किसी केस में तो उस केस में नोटिफिकेशन जाएगा पार्टीज के पास, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास। और गाइस, ये जो चैट होगी वन साइडेड होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको मैसेज आएगा लेकिन आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट का नंबर होने वाला है 8767687676। और गाइस, ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट ये कदम उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये जो स्टेप है ये तो डिजिटल इंडिया को तो सपोर्ट करता ही करता है, प्लस हमारे एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन है उसके खिलाफ भी थोड़ा लड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि इफ यू सेव द पेपर यू सेव द ट्रीज एंड यू सेव द एनवायरमेंट। तो गाइस, ये अपडेट था। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहा है, और गाइस सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज्यादा वरीड है क्योंकि अभी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें लिखा गया है कि डेली बेसिस में दिल्ली जो कि हमारा कैपिटल है वहां पे 3,000 टन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट अनप्रोसेस्ड रह जाता है। और रिपोर्ट का यह भी कहना है कि डेली बेसिस पे 11,000 टन का ये सॉलिड वेस्ट निकलता है दिल्ली में, जिसमें से अभी दिल्ली की जो प्रेजेंट कैपेसिटी है इसको प्रोसेस करने की वो 8,000 टन ही है, और ये जो 3,000 टन का जो एरिया रह जा रहा है वो डेली बेसिस पे पाइल अप होते जा रहा है, जैसे कोर्ट्स में हमारे पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ती जा रही है वैसे ये जो सॉलिड वेस्ट है वो भी डेली बेसिस पे 3,000 टन से बढ़ता जा रहा है। अब ये चीज कैसे कम होगी, ये चीज कैसे मैनेज होगी, और ये जो अनप्रोसेस्ड सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड है। अब गाइस, इसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड 2016 में रूल्स लाए गए थे, तब से लेके 8 साल हो गए लेकिन तब भी ऐसी हालत हो रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट किया है और दिल्ली गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट किया है कि आप भैया मीटिंग बुलाओ जल्दी से, क्या करना है इसके ऊपर जल्दी से आप करो। और इस मैटर की दोबारा सुनवाई 13 मई को होने वाली है, प्लस इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि जो हमारे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उसमें कई सारी वैकेंसीज भी जिसको सरकार ने नहीं भरा है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वेरियस सरकारें हैं जहां पे ये वैकेंसीज है जैसे दिल्ली की सरकार हो गई, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो वैकेंसीज है इसको आप जल्द से जल्द भर दो। तो गाइस, ये अपडेट था। इसके बाद जो अपडेट निकल के आ रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहा है रिगार्डिंग अरविंद केजरीवाल। अब गाइस, मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में आपको बता दूं, ये हर दूसरे तीसरे दिन ये आपको जरूर से जरूर न्यूज़ में दिखाई देंगे जब तक ये जेल में बैठे हैं।
हालांकि बाहर निकलते तब भी न्यूज़ में भी होते हैं, लेकिन अभी हमेशा ही आपको न्यूज़ में दिखने वाले हैं। तो गाइज ये जो पर्टिकुलर अपडेट है, यहाँ पे ईडी का कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं ये जो दिल्ली लीकर पॉलिसी केस का जो स्कैम है उसमें। अब गाइज ये जो केजरीवाल जी हैं इनकी समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 21 मार्च को ये अरेस्ट हुए थे, तब से इनकी जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड होती जा रही है। ईडी का कहना है कि हमने इनको काफी सारे समन्स भी भेजे थे जिसको इन्होंने अटेंड नहीं किया। प्लस इसके अलावा एज अ नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी इन्होंने काफी सारे लीकर सेलर्स जो थे उनसे काफी सारी रिश्वत भी ली, और ये जो पैसा था इन्होंने गोवा इलेक्शंस में इन्वेस्ट किया वहां पे इलेक्शन जीतने के लिए। और प्लस इसके अलावा ये भी एलिगेशन है कि ये जो जितना भी रिश्वत लिया है उसको रिकवर करवाने के लिए उन सेलर्स के लिए तो जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट था उसको 12% तक इंक्रीज कर दिया, जो कि पहले 5% हुआ करता था। प्लस इसके अलावा ये लाइसेंस भी उसी व्यक्ति को देते थे जो इस लाइसेंस के लिए 5 करोड़ रुपए देने की क्षमता रखता था। और इन्हीं सब के चलते ईडी का कहना है कि ये जो जितने भी एलिगेशन हैं हम इनके ऊपर हवा में बिल्कुल फर्जी एकदम इनको फंसाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमको इनके अगेंस्ट सफिशियंट मटेरियल एंड एविडेंस मिला है जिसके बेसिस पे हमने इनको अरेस्ट किया हुआ है। एंड इसके अलावा ये वाइकेरियसली लायबल भी हैं एज द नेशनल कन्वीनर ऑफ द आम आदमी पार्टी, और ये जितनी भी हरकतें इन्होंने की है ये सिर्फ आर्बिट्ररी ही नहीं था बल्कि सब कुछ मेलाफाइड इंटेंशन से भी किया गया था। इसके बाद गाइज जो न्यूज निकल के आ रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो स्त्री धन होता है जो कि एक वाइफ का होता है उसकी संपत्ति होती है वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, उस पर हस्बैंड का कोई भी टाइटल नहीं होता है। हालांकि ये जो हस्बैंड है अगर कोई आपत्ति आ जाती है, कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ जाती है, कोई डिस्ट्रेस आ जाता है तो स्त्री धन को वो यूज तो कर सकता है, बट उसके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि उसको वो स्त्री धन लौटाना है वाइफ को। अब स्त्री धन क्या होता है मैं आपको मोटा मोटा लेमन लैंग्वेज बता देता हूं। तो ये ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जो वाइफ को मिलते हैं, वुमेन को मिलते हैं उसकी शादी के पहले, उसके शादी के दौरान और उसके शादी के बाद, या फिर जब शादी के बाद उसकी विदाई हो रही होती है तब उसको जो जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो उसके स्त्री धन होते हैं, उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार होता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि हस्बैंड से शादी कर लिया है तो दोनों अब एक सोल हो गए हैं तो दोनों की ज्वाइंट ओनरशिप होगी उसके ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओनली द वाइफ हैज द एब्सोल्यूट टाइटल ओवर इट। तो गाइस यही मेन चीज थी जो आपको जानने की जरूरत थी। हालांकि ये जो स्त्री धन है ये और थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, इसके ऊपर आपको फुल लेंथ वीडियो जाएगी। प्लस इस केस में क्या होता है कि वाइफ जो होती है वो अपनी सास को ज्वेलरी दे देती हैं, उसके बाद हस्बैंड और उनकी मदर मिलके ये जो स्त्री धन होता है उसको मिस अप्रोप्रिएट कर देते हैं, क्योंकि फैमिली की कुछ पहले से लाइबिलिटीज थी उनको क्लियर आउट करने के लिए। फिर बाद में क्या होता है हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, डिवोर्स भी फाइल किया जाता है। अब यहाँ पे वाइफ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं इनिशिएट करती है फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लेकिन एक सिविल प्रोसीडिंग ला देती है कि भैया मुझे मेरा स्त्री धन ला के दो। और गाइस इन द एंड सुप्रीम कोर्ट ने सब जोड़ जाड़ के 25 लाख रुपए हस्बैंड को ऑर्डर किया है कि भाई अब 6 महीने के अंदर वाइफ को जाके लौटाओ। तो ये चीज था इस केस। तो गाइस ये अपडेट था। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहा है, और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक पेटीशन फाइल की गई थी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि एक रिट पेटीशन थी। और इस पेटीशन में मेंशन था कि भाई आप लोग ये जो कलेजियम सिस्टम है ये बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा ओपेक है, उसको आप शट डाउन करो, और जो 2014 में ये जो NJAC आया था उसको आप रिवाइव कर दो, वो बढ़िया सिस्टम था। तो गाइस ये पेटीशन थी, हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इसको टर्न डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो आपने ये जो क्वेश्चन उठाया, ये जो प्रॉब्लम उठाई है उसको पहले भी डिसाइड कर दिया गया है, आप इसको बार बार ला के कोर्ट का टाइम ना वेस्ट करो। सही बात भी है गाइस, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया था, कलेजियम सिस्टम को रिवाइव कर दिया था। प्लस इसके अलावा 2018 में अपील फाइल की गई थी इस जजमेंट के अगेंस्ट में कि ये जो NJAC वाला स्ट्रक डाउन वर्डिक्ट हमने दिया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि इस 2018 ये जो पिटीशन डाली गई थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, मतलब टर्न डाउन कर दिया था। तो गाइज ये पेटिशन थी, यहाँ पे मैं भी इस पेटिशनर से थोड़ा सा एग्री करूँगा कि हाँ ये जो कलेजियम सिस्टम है इसमें थोड़े रिफॉर्म्स लाने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ये ओपेक है, कब वहाँ पे क्या हो जा रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसी हफ्ते का, जस्टिस रोहिंटन नरीमन का, जो कि आप जानते फली साम नरीमन का आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के ये सुपुत्र हैं। तो इनका कहना था कि कुछ साल पहले ये कलेजियम में थे और जस्टिस अकील कुरैशी का नाम आया था रिकमेंडेशन करने के लिए, तो इन्होंने वो नाम रिकमेंड किया था, और इनके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड बहुत ही ज़्यादा काबिल जज थे, इसलिए इन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया। लेकिन ये आज तक वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं हो पाए थे, और ये एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट
रिटायर हो गए थे। नरीमन जी का भी ये भी कहना है कि जो अदर जजेस इनकी जगह पे जो अपॉइंट हुए थे उनसे कुरैशी ज्यादा अच्छे थे, मतलब कुरैशी जी उनसे ज्यादा अच्छे थे। तो ये चीज है, कलेजियम सिस्टम के ऊपर आए दिन गाइज उंगलियां उठती रहती हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपका क्या सोचना है इसके बारे में, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गाइज ये चीज है। इसके बाद गाइज जो अपडेट निकल के आ रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी है एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट ने, और इसकी पिटीशन में कहना है कि भाई ये जो अरविंद केजरीवाल हैं और इनके अलावा और भी जो अदर नेता हैं जो कि अभी जेल में हैं, उनको भाई कैंपेनिंग करने के लिए राइट दे दीजिए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल। और पिटीशनर का यहाँ पे ये भी कहना है कि ये जितने भी नेता हैं उनके फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट ऑफ कैंपेनिंग यहाँ पे वायलेट हो रही है, और ये जो चीज़ हो रही है कि इलेक्शन के जस्ट पहले इतने सारे नेता अरेस्ट होकर जेल में हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो गाइज ये वो अपडेट है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट अपडेट है, ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाला नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगी वो देखने वाली बात, हालांकि मुझे लगता है कि इस पिटीशन पे कॉस्ट लगा के पिटीशनर को वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद गाइज जो अपडेट निकल के आ रहा है वो पंजाब एंड हरियाणा से निकल के आ रहा है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से निकल के आ रहा है। और इस हाईकोर्ट का कहना है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि लागू होता है इलेक्शन की डेट रिलीज होने के बाद और इलेक्शन के रिजल्ट आने के पहले जो ड्यूरेशन होता है, जानते हो उसके बीच एमसीसी लगा होता है। तो हाईकोर्ट का कहना यह है कि इस एमसीसी के दौरान अगर कोई भी हाईकोर्ट का अगर डिसीजन आ रहा है जो कि ओवरलैप करता है इस एमसीसी से या फिर एमसीसी से इनकंसिस्टेंट रहता है, तो यहां पे जो जुडिशियल ऑर्डर है वो प्रिवेल करेगा ओवर द एमसीसी, एंड दिस एमसीसी कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ जुडिशियल ऑर्डर। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट जाके उसको स्ट्रक डाउन कर दे उस ऑर्डर को तो बात अलग हो, नहीं तो ये जो जुडिशियल ऑर्डर जो हाईकोर्ट ने पास किया है वो एमसीसी के ऊपर प्रिवेल करेगा। अब यहाँ पे केस सिंपल सा है गाइस, केस ऐसा होता है कि हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को 2022 में एक कांस्टेबल के अपॉइंटमेंट को लेके हरियाणा में। अब यहाँ पे अथॉरिटीज फेल हो जाती हैं ये अपॉइंटमेंट करने में, हाईकोर्ट में आके कहती हैं कि सर एमसीसी लगा हुआ है उसकी वजह से हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे इसी बात पे सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा ई ना चोलबे एंड एमसीसी डज नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग जुडिशियल ऑर्डर्स। तो गाइज ये अपडेट था, और गाइज यही सारे अपडेट थे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के लिए। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एलएलबी वाला को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद, हैव अ गुड डे, थैंक यू।